एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज़ टीम का अगला पड़ा ब्लॉक बिलारी स्थित ग्राम फतेहपुर नत्था पड़ा। लगभग 3000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस ग्राम पंचायत की दूरी मात्र 2 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में श्रीमती रामवती देवी इस गाँव की प्रधान है, जिन्होंने गाँव को व्यवस्थित तरीके से सजो रखा है। मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्रीमती रामवती देवी का यह गाँव लगभग 1500 की वोटर संख्या वाला है। वहीं साथ ही साथ इस गाँव में राशन कार्ड धारकों की संख्या 245 नजर आती है। बात अगर शिक्षा की करें तो यह गाँव बेहतर स्थिति में नजर आता है। इस गाँव में जूनियर व प्राथमिक पाठशालाओं में लगभग 200 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। वही प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि उनके द्वारा गाँव में सड़कों का निर्माण कराया गया है, साथ ही साथ गाँव को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान की व्यवस्था भी करवाई है। उनके द्वारा नालियों व नालों का निर्माण भी कराया जा चुका है, जिससे पानी की निकासी की व्यवस्था दुरुस्त हो सके। उन्होंने बताया कि गांव में सरकार द्वारा भेजे जाने वाले सभी तरीके के लाभों को ग्रामीणों में पूरी तरह से वितरित किया जाता है। गांव में पानी की पूर्ति बनाए रखने के लिए उनके द्वारा गांव में लगभग 18 हैंडपंप भी लगवाए गए हैं, जबकि बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त कराने के उद्देश्य से लगभग 44 बिजली के पोल व 3 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में लगवाए गए हैं। प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से राज्य सरकार व केंद्र सरकार से मांग की है कि उनके गांव में शमशान घाट, शौचालय, आवास, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र जल्द से जल्द बनवाए जाएं व टूटी हुई इमारतें जल्द से जल्द दुरुस्त कराए जाएं, जिससे ग्रामीणों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द से जल्द फंड मुहैया कराए, जिससे वे अपने गाँव के विकास की स्थिति को और भी बेहतर बना सके। वहीं ग्रामीणों ने भी ग्राम प्रधान के कार्यों की समीक्षा की और बताया कि प्रधान द्वारा विकास कार्य बेहतर तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गांव में सरकार द्वारा पैसा नहीं भेजा जाता है, जिसकी वजह से पानी की निकासी की व्यवस्था बेहद खराब पड़ी है, तो वहीं स्वास्थ्य सेवाएं भी बदहाल स्थिति में पड़ी नजर आती है। उन्होंने बताया कि गाँव में पंचायत घर की स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब है, इसकी इमारत बहुत ही जर्जर हो चुकी है। ग्राम प्रधान रामवती देवी पुत्र पुरुषोत्तम यादव और हमने मेरे कई 4 रंजे करवा दिए, 3 अपने ग्राम पंचायत नत्था में और एक हमारी पंचायत में नीगरी गांव लगता है, उस 2 खरंजे नीगरी में करवा दिए और समस्या और 30 लाइटें 100 लाइटें लगवा दी गई लाइटें लगा दी गई हैं 3 नीगरी में लगवा दी हैं और 10 लाइटें अपने गाँव में और 30 लाइटें बिजली वाली और वे अपने गांव में लगवा दी गई हैं, खम्भे वाली बिजली वाली और शौचालय का भी तक पैसा नहीं आया हमारे खातों में और गांव को बहुत समस्या और शौच के लिए गांव वालों को जंगल में जाना पड़ता है, बारिश के समय भी बहुत अधिक परेशानी होती है और अभी तक खाते में पैसा नहीं आया। सभी गाँव में शौचालय ज़्यादातर बन गए, हमारी पंचायत ऐसी अभी तक कोई शौचालय नहीं बना है, ना कोई आवास बना है, बहुत गरीब सूची में नाम दे रखे हैं, अभी तक उनके खाते में बैलेंस तक पैसे नहीं आए हैं। और दूसरी समस्या ये कि हमारे गांव में शमशान घाट की बहुत अधिक जरूरत है, ना फतेहपुर में है नहीं नीगरी में, दोनों शमशान घाट की बहुत आवश्यकता है और शमशान घाट की और एक ग्राम पंचायत वो जर्जर हालात में है और कहीं खुली मीटिंग की जरूरत पड़ती है तो बहुत अधिक परेशानी होती है। मेरा नाम सुरेंद्र है, फतेहपुर नत्था से हूँ। हमारे गांव में शमशान घाट नहीं है और ग्राम पंचायत से टूटा पड़ा है और शौचालय की बहुत दिक्कत है, राशन कार्ड भी नहीं बने हुए हैं अभी, ये बहुत दिक्कत है, भारी दिक्कत है, गरीब लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। फतेहपुर से बोल रहे हैं, हमारे गाँव में शौचालय कोई भी नहीं है, ना कोई मिले हैं, सही नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ की अंधा पड़े हैं, निकलने को बीच नहीं है बिल्कुल, और कोई सोलर कुछ ना मिल रहा है, हमें गरीब लोगों को सब राशन बना बने नहीं है, मिलने चाहिए हमें।